Yes, students, now we will do question number 25 of your book, and we are having question number 25. So as per this question, we have to make the accounting equation. Proof करना है हमें accounting equation के साथ, that is asset equal to liability plus capital. तो हमारे पास कुछ points दे रखे हैं. That is first, A part is कि ब्रिज मोहन ने अपना business start किया है with cash. B part is bought goods for cash, मतलब कि goods खरीदे हैं. C part is 1/3 of the above goods are sold at a profit of 20% on cost. तो उसने क्या किया कि जो ऊपर goods लेके आया था उनको sell कर दिया 20% profit के साथ. Then half of the payment received in cash, जो उसने sell किया उसकी half payment उसको cash में receive हो गई. D part is purchased typewriter for office use. एसेट लेके आया, टाइपराइटर हमारा एक एसेट है. देन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स, उधार पे सामान लेके आया एक्स से. एंड पेड टू एक्स, फिर उसी एक्स को उसने पे कर दिया. देन पेड सैलरी एंड रिसीव्ड कमीशन. और उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जिनकी कॉस्ट थी 50,000 और उसको 60,000 में सेल कर दिया, मतलब प्रॉफिट जोड़ के उसे सेल कर दिया. तो हमें इस क्वेश्चन की अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूफ करना है. तो लेट्स स्टार्ट डूइंग अवर क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम फॉर्मेट ही बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का. तो हमारे पास क्या फॉर्मेट होता है, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन. सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सीरियल नंबर. फिर हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस. फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट. यही होता है हमारे पास. तो मैं इसे थोड़ा सा और स्पेस दे के इधर लिख लेते हैं. जो फॉर्मेट बनाओगे ना, आपको प्रॉपर पेंसिल और स्केल के साथ बनाना है. लाइन सीधी होनी चाहिए आपके नोटबुक पे. तो जी स्टार्ट करते हैं. हम इसको थोड़ा सा और इधर को कर लेते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग स्पेस. और हमारे इस क्वेश्चन में एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं. एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. हमारे इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा एसेट्स आएंगे, तो हम इधर स्पेस देंगे. तो हमारे पास सबसे पहली एंट्री है कि ब्रिज मोहन ने कमेंस किया है बिजनेस विद कैश. तो ये लिखेंगे नरेशन ए, ब्रिज मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख. तो यानी कि हमारे पास क्या आइटम आई, सबसे पहले एसेट में कैश आया और इधर क्रेडिटर कोई भी नहीं, लेकिन कैपिटल आया प्लस कैपिटल. तो कैश में हमारे पास 1 लाख, क्रेडिटर 0 और कैपिटल 1 लाख. बी पार्ट हमारे पास है बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000 के गुड्स लेके आए हैं और कैश में, तो स्टॉक लेके आए हैं और कैश कम हुआ है. तो हमारे पास कैश है 1 लाख रुपीज का, राइट.
तो कैश में से 60,000 रिड्यूस हुआ है, तो हम इधर यहाँ पे ये पहले इक्वेशन हम लिखते होते हैं, इक्वेशन बी पार्ट के अकॉर्डिंग कैश में से 60,000 रिड्यूस हुआ है, क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन स्टॉक हमारा ऐड हुआ है विद 60,000, स्टॉक आया कैश गया तो ज़ीरो, तो ऊपर लिख देंगे स्टॉक। तो अब इसका बैलेंस निकालेंगे इस एंट्री के बाद, 60,000 प्लस 40,000 ये क्या बन गया 1,00,000 रुपीज़, और इधर भी 0 प्लस 1,00,000 ये भी 1,00,000, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। देन सी पॉइंट हमारे पास है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। तो जो अबव गुड्स हैं 60,000 के, उनका 1/3 पार्ट जो है वो हमने सोल्ड कर दिया है एट 20%। तो नरेशन लिखेंगे, 1/3 ऑफ गुड्स सोल्ड एट 20% प्रॉफिट रिसीव्ड हाफ पेमेंट इन कैश। यहाँ पे हमारा इक्वेशन ही आएगा सबसे पहले, उसके बाद नरेशन लिखेंगे। तो ये अपना याद रखना इक्वेशन। तो 1/3 ऑफ द गुड सोल्ड मतलब कि हमारे पास 60,000 थे, 60,000 का 1/3 कितना हुआ, 3 से डिवाइड करेंगे 20,000, तो 20,000 का स्टॉक उसने सेल कर दिया। जब उसने 20,000 का स्टॉक सेल किया तो सेल करके उसने अपना 20% प्रॉफिट रखा। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि 20,000 के ऊपर 20% प्रॉफिट है, तो मतलब कि 4,000 का प्रॉफिट है, तो उसे मिलने चाहिए थे 24,000, लेकिन उसे कितने मिले, हाफ पेमेंट, दैट इज़ 12,000, 24/2, तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया विद 12,000। और डेटर्स खड़े हो गए, डेटर्स मीन्स जिनसे अभी पैसा लेना है, तो डेटर्स की लिस्ट में एक पर्सन का नाम ऐड हो गया और हमारे पास अमाउंट है 12,000, तो हमारे डेटर्स इंक्रीज हो गए हैं विद, ज़ीरो थे पहले डेटर्स, तो अब ये 12,000 के साथ डेटर्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, और हमने इन टोटल 4,000 का प्रॉफिट रखा है, तो 4,000 का प्रॉफिट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा अगर इस इक्वेशन का टोटल करेंगे, तो इस इक्वेशन का हमारे पास टोटल आया है 12,000 प्लस 40,000 प्लस 52,000 इक्वल्स टू 0 प्लस 1,00,000 4,000। फिर हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आएगी, नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग डी पार्ट हमारे पास है, परचेज्ड टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज फॉर ₹15,000। 15,000 का एसेट आया है टाइपराइटर, तो टाइपराइटर ऊपर ऐड हो जाएगा, प्लस आ जाएगा
राइट। और इधर ये सभी जीरो हो जाएंगे पहले तो अमाउंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें क्या है, हमने टाइपराइटर परचेज किया है और वो भी 15,000 का टाइपराइटर आया है, तो हम 15,000 से हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज कर देंगे 15,000 से। तो पास करते हैं हम अपनी एंट्री, तो सबसे पहले ऊपर जो हमारे पास टाइपराइटर पड़े हैं उनको ज़ीरो करेंगे क्योंकि पहले हमारे पास टाइपराइटर नहीं था। और अब हमने क्या किया है, कैश के साथ टाइपराइटर को परचेज किया है, तो टाइपराइटर हमारा 15,000 इंक्रीज हो गया और कैश जो है हमारा 15,000 डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे सारा कुछ सेम, माइनस 15,000, बाकी साइड सारी सेम एज इट इज, तो इधर ज़ीरो ज़ीरो। तो अगर इसको टोटल करें तो हमारे पास इक्वेशन आई 15,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 प्लस 37,000 इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस 1,04,000। ई पार्ट वी आर हैविंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स फॉर रुपीज 25,000 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर रुपीज 25,000, मतलब 25,000 का हमारे क्रेडिटर्स खड़े हो गए। तो गुड्स हम लेके आए, 25,000 से हमारे गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे, बाकी सारा कुछ सेम, और इधर हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 25,000 एंड रेस्ट विल बी द सेम। इक्वेशन आएगी हमारे पास 15,000 प्लस 12,000 प्लस 65,000 प्लस 37,000 इक्वल्स टू 25,000 प्लस 1,04,000। डन। नेक्स्ट हमारे पास एफ पॉइंट है, पेड टू एक्स रुपीज 15,000। एक्स से अभी लिया था उधार पे 25,000 का सामान, उसको 15,000 दे दिए, तो एक्स का बैलेंस कम, बाकी सेम, और कैश में पे किए तो कैश भी रिड्यूस 15,000 से, तो दोनों साइड पे 15,000 का इफेक्ट पड़ गया। इक्वेशन आई हमारे पास 22,000 65,000 12,000 15,000 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 1,04,000, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जी पॉइंट है, पेड सैलरी रुपीज 3,000, सैलरी पे की है तो कैश कम हो जाएगा, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस कैपिटल को रिड्यूस करती है, तो 3,000 से कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी, बाकी ऑल विल बी द सेम। तो इक्वेशन फिर से आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन 15,000 12,000 65,000 19,000
10,000, 1,01,000. H point received commission. ₹500 ऐड हो गया और इधर प्रॉफिट में भी ऐड हो जाएगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. रेस्ट विल बी दी सेम. ड्रॉ लाइन तो इक्वेशन आ जाएगी 15,000 प्लस 12,000 प्लस 65,000 प्लस 19,500 इक्वल्स टू 10,000 प्लस 101,500. राइट. अब हमारे पास एक और इक्वेशन है, इसमें एक और ट्रांजैक्शन है, लास्ट वन. आई पॉइंट सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्ट थी 50,000, सेल की 60 में. तो यानी कि 60,000 कैश आया, 50,000 स्टॉक कम हुआ, 10,000 का डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट हुआ, तो वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा. बाकी सारा कुछ सेम. अब इसे क्लोज करेंगे. फाइनल इक्वेशन होगी 15,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 7,950 प्लस 10,000 प्लस 1,11,500. अब हमें देखना है, लास्ट में चेक करना है क्या हमारे एसेट्स का टोटल इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है. तो इनको टोटल करो तो अमाउंट आई हमारे पास 1,21,500. और इधर टोटल करोगे तो इधर भी अमाउंट आई 1,21,500, जिसका मतलब दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड. और हमारा जो क्वेश्चन है, जिसका मतलब ये वाला पार्ट जो है वो हमारा इसके पार्ट के इक्वल है. एट लास्ट इट मीन्स दैट हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है. सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल डू अनदर टॉपिक. सी यू टुमारो. थैंक यू.